हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। वो कैब ऑफ द डे सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 9th दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ न्यू वर्ड्स जो हमने यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम के लिए डिस्कस करने हैं, और साथ में हमने वोकैब जो है उसमें कम्युनिकेशन स्किल और SSB के लिए प्रिपेयर इसी के थ्रू हमने करना है। तो आपने जो भी वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग है उसको अच्छे से समझना है और उनसे रिलेटेड कमेंट करना है। तो फिलहाल जो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वो उनका आ रहा है जो उन कॉमेंट्स पर स्टोरी लिख रहे हैं, यानी कि वो उन वर्ड्स को समझ रहे हैं और उन वर्ड्स के समझने के बाद इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, हर एक सेंटेंस को मिलाकर एक स्टोरी बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा स्किल जो है वहां से इम्प्रूव हो रहा है उनका। तो मैं सभी को यही कहूंगा कि अगर आप एक स्टोरी बना सकते हो तो वो एक बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आप इंडिविजुअल सेंटेंस ही बनाना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट वर्ड, अगर हम देखें ग्रिम। तो ग्रिम जो है, ग्रिम का मतलब होता है भयंकर, ठीक है। ये जो ग्रिम है, ग्रिम का मीनिंग होगा भयंकर, जो एक एडजेक्टिव है यानी कि एक विशेषता है जिसका जो इंग्लिश मीनिंग होगा वो होगा हॉरिबल इन मैनर। अब भयंकर जो है, भयंकर तो कई किस्म से होता है, लेकिन भयंकर क्या होगा, वो स्वभाव में जो भयंकर है, मैनर में जो भयंकर है। तो फिलहाल जो है हमने भयंकर ही मीनिंग समझना है इसका, क्योंकि स्वभाव जो है किसी भी चीज का हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग का भी। अब सिनोनिम देखते हैं इसके। सिनोनिम्स हैं स्टर्न एंड हॉरिड, और एंटोनिम्स हैं इसके प्लेजेंट एंड कंफर्टिंग। तो एग्जांपल सेंटेंस है इसका, द ग्रिम एक्सपीरियंस ऑफ द फिल्म वाज डिवास्टेटिंग फॉर देयर मोरल, ठीक है, कि जो फिल्म का ग्रिम एक्सपीरियंस था, भयंकर एक्सपीरियंस था, वो डिवास्टेटिंग कर रहा है उनके मोरल को। सेकेंड है हमारे पास, सेकेंड वर्ड है कैलोजनेस। कैलोजनेस जो है वो एक नाउन है, एज अ नाउन यूज होगा, जिसका मतलब है अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं अलगाव, ठीक है, किसी में लगाव ही नहीं है। इंटरेस्ट यानी कि लगाव, अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट यानी कि अलगाव। तो सिनोनिम इसके बन जाएंगे नॉनचैलेंस एंड अलूफनेस, और एंटोनिम्स बन जाएंगे नॉनचैलेंस एंड अलूफनेस, एंड एंटोनिम्स बन जाएंगे कॉम्पैशन एंड सिंपैथी। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, हिज कैलोजनेस शो हाउ केयरफुल इज ही, कि उसका जो अलगाव है, ठीक है, इसका जो अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो शो कर देगा, शो कर रहा है कि वो कितना केयरफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉमन, या फिर कॉमन इन द सेंस जिसको हम बोल सकते हैं पारंपरिक, ठीक है, जो परंपरा के अकॉर्डिंग चलता हो। तो इसके सिनोनिम बन जाएंगे टिपिकल एंड रेगुलर, और एंटोनिम्स इसके बन जाएंगे इररेगुलर एंड यूनिक। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। एग्जांपल सेंटेंस है, ही इज अ कन्वेंशनल किड एंड ही लव्स प्लेइंग, कि वो जो है वो एक पारंपरिक बच्चा है जो, और वो खेलना पसंद करता है, ठीक है, प्लेइंग जो है उसको अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रॉयल। ट्रॉयल जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वर्क हार्ड या हार्ड वर्क, ठीक है। जो ट्रॉयल है इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, संघर्ष करना। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्राइव एंड मॉयल, एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे रिलैक्स एंड आइडल। अब एग्जांपल सेंटेंस है, एग्जांपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग यू शुड ट्रॉयल फॉर अटेनिंग सक्सेस इन लाइफ विदाउट लॉसिंग एंथुसियाज्म, कि आपको जो है लाइफ में सक्सेस होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ट्रायल करना चाहिए, और बिना किसी एंथुसियाज्म के, बिना किसी भी एंथुसियाज्म के हमें ये कड़ी मेहनत अपनी जो है वो जारी रखनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रावीन। कॉन्ट्रावीन जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गो अगेंस्ट, ठीक है, गो अगेंस्ट जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं इसको अवहेलना करना, अगर हिंदी में इसको हम कहना चाहें गो अगेंस्ट को, तो इसका मतलब होता है अवहेलना करना, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चले जाना, गो अगेंस्ट, ठीक है, अवहेलना मीनिंग होगा इसका हिंदी में बिल्कुल, अगर हम हिंदी में लिखना चाहें। सिनोनिम हो जाएंगे इसके डिफाई एंड निगेट, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एंडोर्स और रेटिफाई। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास वी मस्ट नेवर कॉन्ट्रावीन अवर पेरेंट्स, कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब अगेंस्ट जाने का मतलब है कि हमें उनकी बातों से जो है वो एक तरह से अवहेलना नहीं करनी चाहिए उनकी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉनिड। स्पॉनिड जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी कि पैदा करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पैदा करने का मीनिंग होता है कुछ बनाना या पैदा करना, इन द सेंस ये ही नहीं है कि किसी लिविंग थिंग्स को पैदा करना। पैदा करने का मीनिंग ये है कि किसी चीज को प्रोड्यूस करना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे प्रोक्रिएट एंड हैच, और एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्ट्रॉय एंड किल। एग्जाम्पल सेंटेंस है, वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरी सीड स्पॉन बाय द फार्मर्स ऑफ अवर नेशन। कि हमें जो है, हमें हर एक सीड को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए जो प्रोड्यूस की जाती है हमारे फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, कि जो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, स्पॉनिड करते हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये मीनिंग हो जाएगा इसका। चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट। कंटेंट जो है इसका मतलब होता है कंपीट, यानी कि संघर्ष करना, कंपटीशन एक तरह से, जो एक वर्ब है। ठीक है, संघर्ष करना। तो इसके सिनोनिम है, सिनोनिम हो जाएंगे इसके ग्रैपल एंड स्किर्मिस, और एंटोनिम्स हो जाएंगे कॉम्प्लाई एंड रिट्रीट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, वी मस्ट कंटेंट फॉर द पोस्ट। कि हमें जो है किसी पोस्ट के लिए कंटेंट करना चाहिए, हमें कंपटीशन करना चाहिए, कंपटीशन लेना चाहिए हमें इस चीज में। ठीक है, तो ग्रैपल एंड स्किर्मिस जो है वो कंपीट का ही मीनिंग है, सिनोनिम्स हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है वेलर। वेलर जो है वो एक नाउन है, ठीक है, और जिसका मतलब है बोल्डनेस। देखिए ये एग्जाम्स में रिपीट होता है, ये वर्ड काफी पूछा जाता है वेलर, तो इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। और इसका जो सिनोनिम है गैलेंट्री एंड हार्डीहुड, और एंटोनिम्स हैं इरेजोल्यूशन एंड कोवार्डिस। तो बोल्डनेस जो है इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं वीरता। ठीक है, वेलर जो है, वेलर का मीनिंग होता है वीरता, जिसको हम बोलते हैं, जिसके सिनोनिम है गैलेंट्री एंड हार्डीहुड, और इसके एंटोनिम्स है इरेजोल्यूशन एंड कोवार्डिस। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा? एज एग्जाम्पल सेंटेंस हम बोल सकते हैं, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कॉम्बैट पायलट आर वेलर एंड क्विक थिंकिंग। कि जो एक गुड कॉम्बैट पायलट होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? एक तो वीरता, वेलर, और एक क्विक थिंकिंग, जल्दी वो डिसीजन लेता है। तो ये क्वालिटीज होती हैं एक गुड कॉम्बैट पायलट में। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बिट। तो एम्बिट जो है उसका मतलब होता है एक्सटेंट, जो एक नाउन है। ठीक है, एम्बिट का जो हिंदी में मीनिंग है वो है सीमा या परिधि, जिसको हम बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज की जो एक्चुअल सीमा होती है कि कहां तक इफेक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं एम्बिट। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बाउंड्स या एक्सटेंशन, और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? मिड पॉइंट या स्पॉटलाइट। तो एग्जांपल सेंटेंस है, द एम्बिट ऑफ द बुलेट वाज इनफ टू कॉज हार्म। कि जो बुलेट है उसकी जो एम्बिट है, सीमा है या परिधि है, वो काफी होती है किसी को हार्म कॉज करने के लिए। किसी को हार्मनेस अगर पैदा हो तो उसके लिए बुलेट की एम्बिट ही काफी इनफ होती है, बहुत होती है। एम्बिट यानी कि एक परिधि, कि कितने एरिया में वो डैमेज करती है, उस चीज को बोलते हैं एम्बिट, सीमा एक। तो ये आपने याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है, लास्ट वर्ड है हमारे पास फेथम। फेथम जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है मेजर द डेप्थ। मेजर ऑफ द डेप्थ का मीनिंग हो गया गहराई को मापना, लेकिन गहराई को मापना इन द सेंस ये नहीं कि हम कोई रूम की गहराई या फिर रूम की ऊंचाई या फिर समुद्र की गहराई इस तरह को मापेंगे, जरूरी नहीं है। फेथम में हर चीज आ जाएगी, चाहे वो कोई फीलिंग ही हो। ठीक है, फीलिंग की गहराई को मापना, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे कॉम्प्रीहेंड एंड पेनिट्रेट, और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके निग्लेक्ट एंड मिस इंटरप्रेट। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट इज हार्ड टू फेथम द पेन फेल्ट एट द डेथ ऑफ अ चाइल्ड। ये बहुत ही हार्ड होता है पेन या दुख की गहराई को मापना, अगर किसी चाइल्ड की जो है वो डेथ हो। तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंस थे हमारे 10 सेंटेंस जो द हिंदू न्यूज़पेपर के थे। एंड होप सो कि आपको ये समझ में आए होंगे। एंड आपने करना क्या है कि जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है किसी भी वर्ड को समझने के बाद, जैसे ही आपने वर्ड को समझा, आपके माइंड में कोई भी सेंटेंस आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर बताइए, और इससे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो
फिलहाल जो है आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।